हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो आपने रिवीजन करा दिया सारे चैप्टर का, अभी बात आती है बेटा ओवरहेड। सर ओवरहेड एग्जाम में सबसे ज़्यादा सिंपल होता है सर, करना कुछ नहीं होता है बेटा, अपने को देखना है कौन सा ओवरहेड किधर जाएगा, क्लासीफाई करना है, फॉर्मेट बनाना, ट्रांसफ़र करना है, आराम से 20 में से 20 मार्क अपनी झोली में आ जाएंगे। सबसे पहले बेटा ओवरहेड का देख लेते हैं सर, कौन सा ओवरहेड किधर किधर जाएगा। सबसे पहले आपको सम एग्जाम में कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहां पर अगर आप देखोगे जनरल ओवरहेड बोला गया है किसमें जाएगा, प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस, मतलब जनरल ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी किसमें जाएगा पता नहीं है, फायर इंश्योरेंस स्टॉक किसमें जाएगा सर पता नहीं है, रेंट किसमें जाएगा पता नहीं है, सुपरविजन किसमें जाएगा पता नहीं है, पावर किस में जाएगा पता नहीं है। ये सबको क्या करना है, ये सब खर्चा दिया इसको क्या करना है सर, अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में करना है सर, ये तीन अदर एस्टिमेट डिटेल एज फॉलो, यहाँ पर पी क्यू आर और यहाँ पर एम और एन। तो यहाँ पर अगर सम पढ़ोगे पता चल जाएगा एक्स वाई जेड लिमिटेड इज अ 5 डिपार्टमेंट, पी क्यू आर एस आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एम और एन कौन सा डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब उसके 5 डिपार्टमेंट में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 2 सर्विस डिपार्टमेंट में। सबसे पहले ये इसमें क्या करना है अपने को अलोकेट करना है, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी दिया गया है, फ्लोर स्पेस एरिया दिया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है, वैल्यू ऑफ मशीनरी दिया है, नंबर ऑफ वर्कर दिया है और डायरेक्ट वेजेस। तो यहाँ पर डायरेक्टली पता है सर जनरल ओवरहेड को कौन से किस पे देना है, डायरेक्ट वेजेस। तो इसका रेशो मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का 56, ये इसका रेशो निकालना है, रेशो निकालेगी तो आपको आ जाएगा बेटा रेशो क्या मिला, 56 21 35 14 14। आप चाहो तो अगर देखोगे 7 1 7 7 2 7 5 35 और 7 3 21 और 7 के टेबल में 56 आएगा, 56 डिवाइड बाय 7 तो कौन से रेशो पे आएगा, अगर 8 देखो 7 8 56 7 3 21 7 5 35 7 2 14 7 2 14। तो रेशो क्या मिला, 8:3:5:2:2 इस रेशो में क्या करना है अपने को जनरल ओवरहेड को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसका दिया है, मशीनरी, तो किस पे आएगा सर, वैल्यू ऑफ मशीनरी किस पे आएगा सर, ये वैल्यू ऑफ किस पे आ जाएगा सर, ये मशीनरी पे आ जाएगा सर। फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक मतलब स्टॉक का फायर इंश्योरेंस हुआ तो किस पे आएगा सर, वैल्यू ऑफ स्टॉक किस पे आएगा सर, वैल्यू ऑफ स्टॉक। समझ में आ रहा है बेटा, स्टॉक का है तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी तो वैल्यू ऑफ मशीनरी। सर रेंट, रेंट किस पे देंगे सर, रेंट किस पे देते हैं सर, फ्लोर स्पेस एरिया, जितना लोग क्या करेंगे पी क्यू आर एस जितना डिपार्टमेंट अलग अलग स्पेस यूज करेगा उसके हिसाब से क्या देना पड़ेगा रेंट। तो यहाँ पर है सर फ्लोर स्पेस एरिया, तो यहाँ पर आएगा सर एरिया, डायरेक्ट में एरिया लिखूँ तो भी चल जाएगा, क्लियर है बेटा। सर सुपरविजन, देखो जितने वर्कर ज़्यादा रहेंगे उतना सुपरविजन के लिए लोग भी ज़्यादा रहेगा, समझ में आ रहा है बेटा, जहाँ पर एक वर्कर काम कर रहा है वहाँ पर आपको सुपरविजन की जरूरत नहीं, मतलब जितने ज़्यादा वर्कर उतना ज़्यादा सुपरविजन। तो किस पे आएगा सर, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स पे आ जाएगा, तो यहाँ पर सुपरविजन किस पे आएगा सर, नंबर ऑफ किस पे आ जाएगा, वर्कर्स पे आ जाएगा सर। पावर, पावर बेटा किस पे आ जाएगा सर, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी सर, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी नहीं दिया होता तो मैं किस पे लेता सर, वैल्यू ऑफ मशीनरी पे लेता सर। सबसे पहले किस पे लेना है सर, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी पे लेना है सर। आपको कैसे पता चलेगा जरा एक बार जरा अपने को बता दो, ये रहा बेटा सबसे पहले रेंट आएगा, रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंस, लाइटिंग एंड हीटिंग, फायर प्रिपरेशन सर्विस, एयर कंडीशन, सब किस पे आएगा, फ्लोर स्पेस एरिया, क्लियर है। तो यहाँ पर रेंट आ गया, फ्लोर स्पेस एरिया, परक्विजिट आ गया, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस आ गया, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस, सुपरविजन किस पे जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर। तो यहाँ पर आया था ना बेटा सुपरविजन किस पे जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर पे चला जाएगा सर। कंपनसेशन टू वर्कर्स, हॉलीडे पे, ESI मतलब एम्प्लॉई, स्टेट इंश्योरेंस, PF मतलब प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, परक्विजिट सर किस पे जाएगा सर, डायरेक्ट वेजेस पे चला जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी किस पे जाएगा, कैपिटल मतलब जितना भी असेट्स का वैल्यू, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक किस पे जाएगा, स्टॉक वैल्यू, यहाँ पर आया था ना इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ गया सर, ये रहा इंश्योरेंस अपना, फायर इंश्योरेंस, स्टॉक किस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक पे क्या होगा, चला जाएगा। लाइटिंग एक्सपेंस, इसकी मैंने PDF दी गई, आप लिख लेना आपको चाहिए, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, एरिया,
अगर लाइटिंग एक्सपेंस आए तो सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया है, हाँ तो उसको जाएगा, समझ में आ रहा है बेटा। उसके बाद किसके जाएगा, एरिया। अगर एरिया भी नहीं दिया है तो यहाँ पर मीट कितना यूनिट्स हम यूज़ करें उस पर। तो यहाँ पर देखो अपने को क्या दिया था सर, ये देखो सुपरविजन पावर, पावर किस पे आएगा, इसके नीचे ही आपको दिया इलेक्ट्रिसिटी पावर। पावर सबसे पहला किस पे जाएगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी। अगर हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी नहीं दिया है तो नंबर ऑफ मशीनरी आवर्स, नंबर ऑफ मशीनरी आवर्स भी नहीं है तो वैल्यू ऑफ मशीनरी पे जाएगा, समझ में आ रहा है बेटा। वो भी नहीं दिया है तो क्या आएगा, यूनिट कंज्यूम में क्या होगा, चला जाएगा, क्लियर है आपको। ये सब दिया नहीं है, जनरल ओवरहेड किस पे जाएगा, डायरेक्ट लेबर पे जाएगा, डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा, अदर किस में जाएगा, टेक्निकल, यहाँ पर जो दिया रहेगा उसके हिसाब से जाएगा। मतलब अगर आप मोटा मोटा, आपके पास थोड़ा सा दिमाग रहेगा, आप क्लियरली इजीली अंडरस्टैंड करोगे। सर जनरल ओवरहेड यहाँ पर दिया है प्रोपोर्शन टू द डायरेक्ट वेजेस, मतलब डायरेक्ट वेजेस के प्रोपोर्शन पे जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, तो वैल्यू ऑफ मशीनरी पे जाएगा, जितना मशीनरी का कॉस्ट ज़्यादा रहेगा रिपेयर का खर्चा भी ज़्यादा रहेगा। सर यहाँ पर फायर इंश्योरेंस स्टॉक, आग लग गई गुड्स जल गया, अरे तो जिसके पास जितना स्टॉक रहेगा, यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टॉक, जिसका जिसके पास स्टॉक रहेगा उसके हिसाब से क्या करेगी, देखिए रेंट किस पे जाएगा, एरिया पे जाएगा, सुपरविजन किस पे जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा, जितने वर्कर ज्यादा रहेगा उतना सुपरविजन भी करना पड़ेगा। पावर किस पे जाएगा सर, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी पे जाएगा। अगर हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी नहीं दिया होता तो मैं किस पे लिखता, वैल्यू ऑफ मशीनरी पे लिखता, क्लियर है। सबसे पहले याद रखना डायरेक्ट वेजेस हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेते नहीं, किसका लेते हैं सर, सर्विस डिपार्टमेंट का लेते। तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा सर डायरेक्ट वेजेस आइटम, तो यहां पर लिखो सर आइटम में, आप इधर लिखो सर डायरेक्ट वेजेस, तो यहां पर आ जाएगा सर डायरेक्ट वेजेस, तो यहां पर आ जाएगा सर डायरेक्ट वेजेस। कितना दिया गया है सर, टोटल अमाउंट कितना दिया है बेटा, देखो याद रखना डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट का लेते, ये तीन अपने लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये तीन अपने लिए कौन सा, सर्विस डिपार्टमेंट। तो 14,000 कितना दिया है टोटल, 28,000 रुपीज दिया गया। और कितना जाएगा सर M को 14,000 और N को भी कितना जाएगा सर 14,000 जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर लिख देना ये अपने को क्या दिया, डायरेक्ट गिवन दिया रहेगा, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट वेजेस हमेशा किसका लेना है सर, सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आएगा। डायरेक्ट वेजेस हो गया, मतलब ये हो गया। अभी यहाँ पर आ जाओ जनरल ओवरहेड किस पे जाएगा सर, डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओ जनरल ओवरहेड, तो यहाँ पर लिखो सर जनरल ओवरहेड, अलग अलग पेन से लिखते तो आपको पता चलेगा, जनरल ओवरहेड किस पे जाएगा सर, डायरेक्ट वेजिस पे क्या होगा, चला जाएगा। उसका रेशो क्या था, 8:2, देखो हमने यहां पर निकाला था, याद है 3030 कटा, 7 8 56, 7 3 21, 7 5 35 और 7 2 कितना आ जाएगा सर, 14 5 और यहां पर आएगा 2 2, ये रेशो पे क्या होगा, चला जाएगा। देख काम करो, और डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना दिया गया है सर मेरे को, ये रहा सर, सॉरी जनरल ओवरहेड का अमाउंट दिया है 2,50,000 सर, 2,50,000 को कौन से रेशो पे देना है सर, 8:3:5:2:2:2, कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, 8 + 5 + 3 + 2 + 2 कितना आ गया सर, 20 आ गया, समझ में आ गया। 5 और 4 कितना होगा, 9 9 और ये 8 और 3 कितना हो गया, 11, 9 और 11 कितना हो गया, 20। तो 2,50,000 डिवाइड बाई, 2,50,000 डिवाइड बाई आपको 20 करना है, मल्टीप्लाई 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 किया दो तीन बार करो, 8 दबा के इजिकल टू दबा, तो कितना आ गया सर, 1,00,000 रुपये आ गया। 3 दबा के इजिकल टू दबा दो, कितना आ गया, 37,500 आ गया। 5 दबा के इजिकल टू दबा दो, 62,500 आ गया। बीच में कुछ भी आपको दबाना है, 2 करो कितना आएगा, 25, वापिस से 2 करो कितना आ जाएगा, 25 आपको आ जाएगा। सबका टोटल करोगे ना बेटा तो आपको 2,50,000 ही मिलेगा सर, कैसे, 25 25 50 और ये 1,00,000 कितना हो गया, 1,50,000 हो गया। और इसका टोटल करो, देखो 37,500 प्लस 62,500, देखो हो गया 1,00,000 प्लस 50 और 1,00,000 कितना हो गया सर, 2,50,000 रुपये अपने पास हो गया। किसका आया सर, ये जनरल ओवरहेड आया, कौन से वेजिस पे गया सर, डायरेक्ट वेजिस पे चला जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आओ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, 30,000 रुपये का दिया, क्या दिया है सर, 30,000 रुपये का क्या दिया है सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। तो इधर आ जाओ सर, रिपेयर्स एंड
मेंटेनेंस ऑफ किसका दिया है सर, ये मशीनरी दिया गया है, तो किस पे जाएगा सर, वैल्यू ऑफ मशीनरी, किस पे जाएगा सर, ये वैल्यू ऑफ मशीनरी पे क्या होगा, चला जाएगा, क्लियर है, किस पे जाएगा सर, वैल्यू ऑफ मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी, तो वैल्यू ऑफ मशीन ये यहाँ पर रहा सर। सबसे पहले काम करो, 4040 सबका हटा दो सर, 4040 हटा दिया मैंने, अरे बहुत ही सिंपल, 11 5 55, 11 4 11 3 11 2 1, मतलब 5 11 5 11 4 11 3 11 2 11 1, तो 5 4 3 2 1, तो रेशो क्या मिला सर, 5 4 3 2 1, क्लियर है, तो एक काम करो, 5 + 4 9 9 + 3 12 + 2 + 1 कितना आ गया सर, 15 आ गया, 30,000 / 15 कितना आ गया, 2000 है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 = दबा दो, कितना आ जाएगा सर, 10,000 आ गया, 4 = दबाओ कितना आ जाएगा सर, 8,000 आ जाएगा, 3 = दबाओ कितना आ जाएगा सर, 6,000 आ जाएगा, और 2 = दबाओ सर कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, और 1 = दबाओ कितना आ जाएगा, 2,000 आपको आ जाएगा, क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्या कर रहे, कसम कर रहे बेटा, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा वगैरह कुछ भी नहीं है बेटा, ये हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसके बाद क्या था सर, फायर इंश्योरेंस स्टॉक कितने का दिया था, 49,000 का दिया, तो यहाँ पर लिखो 49,000 किसका है सर, ये फायर इंश्योरेंस स्टॉक कितने का दिया है सर, 49,000 रुपीज का फायर इंश्योरेंस स्टॉक दिया गया, और फायर इंश्योरेंस स्टॉक किस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक पे चला जाएगा, तो इधर लिखो सर वैल्यू ऑफ स्टॉक। अभी तुम बोलोगे सर यहां पर वैल्यू ऑफ स्टॉक अपने को दिया गया या कहा गया, ये ला सर यहां पर तो ये दो का दिया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इन दो में कुछ भी नहीं आएगा, ये दो का दिया ही नहीं है तो दो में कुछ भी आने वाला नहीं है सर, एक काम करो सर, 4040 कैंसिल हो रहा है, यस सर, इसके आगे देखना मत, कुछ कैंसिल हो रहा नहीं, 16 7 और 5, रेशो क्या मिला, 16 7 और 5, और अच्छा दिखाना है तो इधर 0 0 कर देना, समझ में आया, दो का दिया गया नहीं, तो 16 + 7 + 5 कितना आ गया, 28 आया बेटा, एक बार वापिस से जरा चेक कर लेते हैं सर, 16 7 और 5, तो यहाँ पर आ गया 16 7 और 5, 16 + 7 + 5 कितना आ गया, 28 आया, तो 49,000 / 28 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, 1960 16 करो कितना आ गया सर, 13,367 = करो सर, 13,720 और 5 करो कितना आ गया सर, 9,800 रुपये आ गए, बस डैश 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 करो, कहानी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर, क्लियर है, फायर इंश्योरेंस स्टॉक हो गया सर। आगे क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पर देखो, फायर इंश्योरेंस स्टॉक हो गया, रेंट, रेंट किस पे जाएगा, 1,08,000 एरिया के ऊपर जाएगा, तो 1,08,000 क्या दिया गया है सर, ये रेंट दिया गया है, किस पे जाएगा सर, एरिया के हिसाब से जाएगा, क्लियर है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है सर, फ्लोर स्पेस एरिया दिया गया है, तो आपको भी क्या लिखना है सर, फ्लोर स्पेस एरिया, क्लियर है, तो यहाँ पर लिखो सर फ्लोर एरिया, क्लियर है, ARE, कितना दिया है सर, देखो एक काम करो, 1 1 0 सबका कैंसिल हो रहा है, यस सर, 1 1 0 कैंसिल हो रहा है सर, ये मेरे को लग रहा है 3 के टेबल में आएगा, कैसे, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 3 9 3 5 15 3 6 18, तो 6 3 4 3 2 6 3 4 3 2 6 3 4 3 2 6 3 4 3 2, क्लियर है, 6 3 4 3 6 3 4 3 2, क्लियर है बेटा, आ गया सर, 6 + 3 + 4 + 3 + 2 कितना आ गया, 18, और 1,08,000 / 18 करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 6 = 36,000 3 = 18,000 4 = 24,000 3 =
18,000 और वापिस से 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 12,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, रेंट हो गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं, दो चीजें बची है, सुपरविजन किस पे जाएगा सर, 50,000 दिया है, नंबर ऑफ वर्कर पे चला जाएगा। क्लियर है, यहां पर आ जाओ सुपरविजन, तो यहां पर लिखते हैं सर सुपरविजन, हम क्या करते हैं लिखते हैं, तो यहां पर आएगा रेंट, रेंट के बाद यहां पर लिखो सर सुपर विजन, किस पे जाएगा सर, नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स पे चला जाएगा। क्लियर है, और कितना आपने को दिया है सुपरविजन का अमाउंट, 50,000 रुपए दिए गए, तो इधर आ जाएगा 50,000। ये इसके लिए लिख रहे, टीचर को पता चले इसने सही में अच्छे से किया है, नंबर ऑफ वर्कर, तो सर नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो अपने को सेम है, 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 2 6 और 3 4 12। क्लियर है बेटा, 4 2 1 2 1 4 2 1 4 2 1 2 1। क्लियर है बेटा, 4 2 1 4 2 1 2 1। क्लियर है बेटा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 + 2 + 1 + 2 + 1 10 आ गया। अरे 50,000 डिवाइड बाय 10 करना है, मल्टीप्लाई मल्टी 5,000 4 इक्वल टू करो 20,000, 2 इक्वल टू करो 10,000 सर, 1 इक्वल टू करो 5,000 आएगा, 2 इक्वल टू करो 10,000 आएगा और 1 इक्वल टू करो 5,000 रुपये आपको आ जाएगा। सुपरविजन हो गया सर, आगे बढ़ते हैं सर पावर, याद रखना एक भी चीज यहाँ की वहाँ हुई, सम का सत्यानाश हो गया, डायरेक्ट 3 से 4 मार्क कम मिलेगा। सुपरविजन कितना दिया है सर, 99,000, तो यहाँ पर आ गया 99,000, किसका दिया है सर, ये सुपर विजन। क्लियर है बेटा, कितना दिया गया है सर, 99 पावर दिया गया, पावर हो गया, यस सर पावर, सुपर विजन तो हो गया ना, पावर दिया गया 99,000 पावर, 99,000 रुपीस दिया गया पावर। 99 किस पे आएगा सर, यहां पर हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी। क्लियर है, तो एचपी ऑफ मशीन लिखो ना तो भी चलेगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। क्लियर है, और इसका रेशियो निकालते याद रखना बेटा, चलो 5:3:3 बस, बहुत ही सिंपल, क्या बात है, 5:3:3 और बाकी दो का दिया नहीं तो 0-0 कर दो। 5 + 3 + 3 कितना आ गया, 11। 99,000 डिवाइड बाई 11, 99,000 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 5 दबाओ 45, 3 दबाओ कितना आ जाएगा सर 27, और इधर भी कितना आ जाएगा सर 27 आ जाएगा, और बाकी दो में क्या करो डैश डैश कर दो। क्लियर है, अभी करना कुछ नहीं, इधर क्या करना है, दो आपको अंडरलाइन करनी है, जैसे यहाँ पर मैं दो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये ख़त्म हो जाए, दो अंडरलाइन करो, और इधर क्या लिखना है आपको, खाली टोटल, क्या लिख देना है आपको, टोटल। एक काम करते हैं, चलो इधर आ जाएगा बेटा टोटल, चलो आपको पहले इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि सारी चीजें आ जाए, और आपको यहाँ पर सबका क्या करना है, टोटल कर देना है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ कि मेरे को दिखे, 28,000 सबसे पहले ऊपर दिख रहा है आपको, 28,000 सबसे पहले कितना आएगा, 28,000, 2,50,000 +30,000 +49 +1,08,000 50,000 +99,000 रुपीज आपको दिया है, मतलब टोटल कितना आ गया सर इसका, 6,14,000 6,14,000 दिया गया। चलो इसका भी ऊपर में तो कुछ दिया नहीं है, तो 1,00,000 +10,000 +31,360 +36,000 +20 +45 आंसर विल बी 2,42,360। क्लियर है, ये हो गया। इसके बाद वापिस से 37,500 +8,000 +13,720 और +18,000 +10,000 +27,000 सर आंसर आ गया 1,14,220। क्लियर है, डन। उसके बाद है सर 62,500 +6,000 +9,800 +24,000 +5,000 +27,000 आंसर आ गया सर 1,34,300। चलो सर इसका 14,000
प्लस 25,000 प्लस 4,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000, सर आंसर इसका आ गया 71,000 आ गया, क्लियर है। प्लस 14,000 प्लस 25,000 प्लस 2,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000, आंसर आ गया सर 58। अभी रुकना नहीं है, 58,000 प्लस 71,000 प्लस 1,34,300 प्लस 1,14,220 प्लस 2,42,360, आंसर आ गया सर, गलत आ गया आंसर, 16,14,000 आया। देखो एक बार यहाँ पर, ये तो राइट है, अब इसका टोटल मेरा गलत है, इसका टोटल सर, इसका टोटल भी गलत है, इसका टोटल राइट आया 1,13,000 और 17,000 और 58,000 आया 71,000। अभी इसका देखते कहाँ पर मैंने गलती किया, 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 13,360 प्लस 36,000 प्लस 20,000 प्लस 45,000, सर मेरा तो राइट आया बेटा, कहीं तो मैंने गलती किया, और मेरे को पता है मैंने गलती इधर किया गया, मेरे को एक्चुअली लगा ही था जब ये 49 वाला कर रहे थे ना, तभी मेरे को लगा ही था कि हम ये कहाँ गया, रेंट रेंट तो बराबर है 36 आ गया, ये ऊपर वाले में मैंने क्या किया है सर, गलती किया है, क्योंकि 49 आया बेटा, इसका 28 आ रहा है। तो एक बार जरा फायर इंश्योरेंस स्टॉक किस पे आएगा सर, वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो इधर देखो कहाँ गया, कहाँ गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक 16,07,05, तो ये देखो 16,07,05 कितना आ गया सर, 28 आ गया, और 49 डिवाइड बाय 28 करना है, क्लियर है बेटा, तो आंसर आ गया 1750 मल्टीप्लाई 16 करना है 28,000। देखो गलती हो गया मेरा, इधर देखो, इधर अपना गलत हुआ है सर, ये वाला गलत हुआ है, इसको जरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो मैं आपको अभी बता रहा, कहीं ना कहीं तो ऐसा चीज़ आएगा कि आपका गलती हो जाए, कैसे कुछ गड़बड़ हो गया रहेगा, जैसे मेरे को लगा ही था 16,007,000 प्लस 5,000 कितना आता है 28, और ये 49,000 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई 1750 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 16 कितना आ गया सर, इसका 28,000 आएगा, 7 करो सर कितना आ गया सर 12,250 आएगा, और इसका आएगा 5 करेंगे तो 8,750 आएगा, क्लियर है, पता चला कहाँ पर गलती हुआ है, इसके लिए तीनों का क्या आ गया सर, अलग आ गया मेरा, क्लियर है, ये तो राइट आया। चलो इसको वापिस से करते, 1,10,000 प्लस, देखो एक चीज़ याद रखो, कभी भी गलती होता है ना तो उस गलती को माना करो, जैसे मेरी यहाँ पर गलती हुई तो मैं मान लिया ना गलती हो गई, अभी इसी को मैं चाहूँ तो आपको रेक्टिफाई करके वापिस से मैं आपको बता दूँ, पर अपने को क्यों करना है ऐसा, समझ में आ रहा है बेटा, आ गया 2,39,000 यस, इसका आंसर कितना आ गया 2,39,000 आ गया, जो गलत हुआ था वो मैं वापिस से यहाँ पर लिख रहा हूँ, 37,500 प्लस 8,000 प्लस 12,250 प्लस 18,000, चलो मेरे से गलती हो गया, अपन एक्सपेक्ट करेगा अपने कोई भी बच्चा एग्ज़ाम में गलती करेगा नहीं, हालांकि मैं सम करके सॉल्व करा रहा हूँ बेटा, और बाकी सब जगह क्या होता है इसका सॉल्यूशन दिया होता है उसमें से सब बताते रहते, अपना ऐसा काम नहीं करके बताने का यार, 6,000 सॉरी ये मैं बोलना नहीं, करके बताओ, बोलो नहीं बोलो तो वर्थ हो जाओ, वेस्ट क्या, चलो डन। 1,33,250 प्लस 71,000 प्लस 58,000 प्लस 1,12,750 प्लस 2,39,000, इसका आंसर आ गया 6,14,000 आंसर आ गया। देखो सॉरी, एक यहाँ पर गलती हो गई अपनी फायर इंश्योरेंस स्टॉक में, हालांकि मेरे को लगा ही था सम करके जो आंसर आया ना उससे, पर मैंने बोला जाने दो, बाद में देखा जाएगा, सम फाइनली चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये गलती हो गई एग्ज़ाम में, आपको गलती करना नहीं है ऐसा, कभी आपको ऐसा लगे तो एक और बार चेक करके देख लेना। यहाँ पर हमने ओवरहेड का क्वेश्चन नंबर 1 किया, जिसके अंदर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डी, और सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजिस हम लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेते नहीं है, क्लियर है बेटा, क्योंकि डायरेक्ट वेजिस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज नॉट ओवरहेड, और सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा होता है डायरेक्ट इज ओवरहेड, क्लियर, तो हम इसके लिए हम लेते हैं, क्लियर है, हालांकि बुक ने इसके पीछे नोट्स वगैरह दिया नहीं है, वरना मैं आपके लिए लिख देता, क्लियर है। तो यहाँ पर अपना लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है बेटा, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, क्लियर है, वहाँ पर वापिस ओवरहेड का एक सम करेंगे, और दिल से शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच, बाय ऑल।